हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल पैथो हेल्थ। आई एम डॉक्टर रानू पाटीदार, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई भी कहते हैं, ये महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे कि जनरली महिलाएं निग्लेक्ट कर देती हैं। तो मेरे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो इसके बारे में महिलाओं को एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, तो इसी के बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी। तो आइए अब हम समझते हैं यूरिनरी ट्रैक होता क्या है। तो हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, और किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरिन के थ्रू पास आउट करना। तो दोनों किडनी से जो दो ट्यूब निकलती है, इसे यूरेटर कहते हैं, और दोनों यूरेटर ब्लैडर में ओपन होते हैं। ब्लैडर, जिसे हम पेशाब की थैली भी कहते हैं, और ब्लैडर से जो पैसेज होता है जिससे यूरिन हम बाहर आउट करते हैं, उसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा से लेके किडनी तक अगर कहीं भी इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वैसे तो मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, पर ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है। तो फर्स्ट आई विल स्पीक अबाउट मेल्स। तो मेल्स में यंगर पॉपुलेशन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत रेयर देखा जाता है, पर ओल्डर एज में कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम। मेल्स में प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम के कारण या फिर यूरिन में ब्लड आ रहा हो, तो ये सेप्सिस का कारण हो सकता है। तो ऐसे केस में स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। वैसे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, यानी कि दवाई लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर रिकरेंट यूटीआई हो रहा हो और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में सर्जिकल मैनेजमेंट यानी प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल। सबसे पहले समझते हैं कि फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों होता है। तो इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि फीमेल्स में यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हम यूरिन पास करते हैं, वो पैसेज बहुत शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल। और दूसरा कारण होता है कि यूरेथ्रा के पास ही वेजाइनल एंड मोशन पास करने का पैसेज होता है, जो कि बहुत क्लोज होता है। तो जो वेजाइनल बैक्टीरिया या फिर मोशन के बैक्टीरिया होते हैं, वो यूरेथ्रा तक बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, और उसी की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी महिलाओं में हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला कारण होता है वाटर इनटेक का कम होना। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और दूसरा कारण होता है यूरिन को होल्ड करके रखना। अगर आप ज्यादा समय तक यूरिन पास नहीं करते हैं और रोक के रखते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बैक्टीरिया ब्लैडर में ग्रो कर जाते हैं, और वही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। अगला कारण होता है आपकी इम्यूनिटी का लो होना। अगर आप प्रेग्नेंट है या डायबिटिक है या फिर कोई फीवर की हिस्ट्री है, तो ऐसे केस में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओल्डर एज फीमेल, जिनकी एज 45 इयर्स या अबो हो, और फीमेल हु आर अंडरगोइंग मेनोपॉज, उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कारण अलग हो सकता है, जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल का डिक्रीज होना। आइए अब हम समझते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पहला सिम्टम होता है आप बर्दिंग मिक्चुरेशन, जिसमें कि आपको यूरिन में जलन होती है, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जिसमें आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अगला है आपको कम्प्लीट यूरिन पास नहीं हो पाएगी, और थोड़ी थोड़ी यूरिन पास होगी। अगला है पेनफुल मिक्चुरेशन, जिसमें कि आपको यूरिन पास करते समय पेन होता है। आपको लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, और आपके यूरिन में स्मेल आ सकती है। यूरिन टर्बिड यानी कि मडी कलर की हो सकती है, और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी पास हो सकता है, जिसे हम हिमेचुरिया कहते हैं। जब भी आपको ये सिम्टम लगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और एक अल्कलाइजर करके दवाई आती है, जिसकी दो चम्मच एक ग्लास पानी में मिला के कम से कम दिन में दो या तीन बार पिए, तो इससे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। आइए अब हम बात करते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको डेली ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम आपको 14 से 15 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। और दूसरा होता है हाइजीन मेंटेन करना, जिसमें कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग प्रॉपर करना चाहिए, स्पेशली
आपके जब एमसी पीरियड्स हो उस समय आप अच्छी क्वालिटी का पैड यूज करें, गंदा कपड़ा बिल्कुल भी यूज नहीं करें और क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। अंडरगारमेंट्स हमेशा सूखे पहनना चाहिए, क्योंकि गीले से क्या होता है कि वहाँ गीलेपन की वजह से बैक्टीरिया या फिर फंगस ग्रो कर जाते हैं और यही इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यूरिनेटिक इन्फेक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। पहला है कि अगर इन्फेक्शन सिर्फ यूरेथ्रा तक ही सीमित हो तो उसमें बर्निंग और फ्रीक्वेंसी के सिम्टम्स रहेंगे, और अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचता है जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं तो ऐसी कंडीशन में बर्निंग एंड फ्रीक्वेंसी के अलावा फीवर, नोशिया, वोमिटिंग एंड बैक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो यूरिनेटिक इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, तो दो टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक होता है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम बैक्टीरिया और पस सेल देखते हैं, और दूसरा होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो कल्चर टेस्ट में क्या करते हैं कि हम यूरिन के बैक्टीरिया को लैब में 3 से 5 दिन के लिए कल्चर मीडिया पर ग्रो करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि आपको कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वो बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। तो आपकी कल्चर रिपोर्ट देखने के बाद आपके डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपको यूरिनेटिक इन्फेक्शन के कुछ भी सिम्टम्स लगे तो इसे निग्लेक्ट नहीं करें और अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।